इसमें आज मुख्य रूप से अपन चर्चा करेंगे राजनीतिक सहभागिता के विभिन्न रूप। इसके दो रूप देखने को मिलते हैं, जैसे परंपरागत राजनीतिक सहभागिता, वही गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। परंपरागत राजनीतिक सहभागिता यानी कानून रूप से जो अधिकार देश के द्वारा या सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, राजनीतिक मान्यताएं जिसे दी जाती है नागरिकों, वही गैर परंपरागत राजनीतिक सेवा की तरफ से कहते हैं। यहां एक तरह से कानून रूप से उनको मान्यता नहीं होती है, लेकिन नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ अधिकार उनको दिए जाते हैं, लेकिन अधिकारों का कभी कभी वो अधिकार बहुत ज्यादा हावी हुई हो जाते हैं, हिंसा के तौर पर हो जाते हैं, जिससे क्या है देश की शासन व्यवस्था है उसको यानी बहुत ही यानी परेशानियों का सामना करना, देश की जो शासन व्यवस्था है वो अपने आप में सुदृढ़ हो जाती है। जैसे अगर बात करते हैं परंपरागत राजनीतिक सहभागिता, इसमें नागरिकों की क्या सहभागिता होती है, वही राज्यों की क्या सहभागिता होती है, यानी एक तरह से राज्य की क्या सहभागिता है, वही नागरिक की क्या सहभागिता है। जैसे सरकार या जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क स्थापित करना, यानी परंपरागत रूप में राजनीतिक सहभागिता में नागरिक जो जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है उनके साथ संपर्क स्थापित करना, वही राज्य की सहभागिता के आधार पर चुनावों का आयोजन करवाया जाता है, और चुनावों का जब आयोजन होता है तो जनता के द्वारा यानी नागरिक सहभागिता में यानी जनता के द्वारा उन प्रतिनिधियों को चुना जाता है। वहीं नागरिक सहभागिता में पत्र, टेलीफोन, साक्षात्कार, संपादक के नाम, पत्र, हस्ताक्षर अभियान आदि होते हैं, इनके माध्यम से यानी जनता के जो प्रतिनिधि है जनता के प्रतिनिधि इन तक यानी बात पहुंचाते हैं, जनता अपनी या जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है उन तक बात पहुंचाने का एक माध्यम है पत्र, टेलीफोन, साक्षात्कार, संपादक के नाम, हस्ताक्षर अभियान, ये सब उन तक बात पहुंचाने का। वही सार्वजनिक सुनवाई का करना इनके द्वारा यानी एक तरह से राज्य के द्वारा जनता की बात जानने के लिए उनकी क्या इच्छा है, उनको यानी किन मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है, वे बातों को यानी एक तरह से जन सुनवाई की जाती है, जनता की राय ली जाती है, कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसके लिए उनकी राय दी जाती है। वही दबाव समूह की गतिविधियां ध्यान रहे, दबाव समूह क्या होते हैं, इनकी गतिविधि, इनकी गतिविधियां क्या होती है, दबाव समूह ध्यान रहे नेतृत्व ये हैं, चुनाव लड़ते हैं, नहीं सत्ता में आते हैं, यानी बाहरी रूप से किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट करना, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, वो दबाव समूह का काम क्या होता है, यानी बाहरी रूप से किसी को जो पार्टी है उस पार्टी को क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं यानी समर्थन करते हैं, उस पार्टी का समर्थन करते हैं दबाव समूह। तो ये नागरिक सहभागिता में आता है। वही राज्य सहभागिता में सलाहकार परिषदों का गठन करना, ऐसी यानी सरकारी संगोष्ठियों बनाई जाती है जिससे किसी भी राजनीतिक दल की बात करें या लोगों के हित की बात करें तो उनके बारे में उन सरकारी संस्थाओं के द्वारा जाना जा सकता है, उनको लाभ पहुंचाया जा सकता है जनता को सलाहकार परिषद का गठन करके। राजनीतिक प्रचार अभियान यानी एक तरह से राजनीतिक प्रचार अभियान भी किया जाता है नागरिकों के द्वारा। कहीं परिप्रेक्ष्य इसका मतलब है किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान करना, यानी
सत्ता में चुनाव यानी मत दे सकता है और चुनाव भी लड़ सकता है, ये एक तरह से अधिकार है। उपकरण यानी किसी प्रस्ताव को आरंभ करना यानी नागरिकों के उनकी संतुष्टि के द्वारा यानी आरंभ करना। प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाना, जैसे मैंने आपको जैसे एक देश है स्विट्जरलैंड, इस देश में यानी जनमत के द्वारा यानी जनता के द्वारा अपने चुने गए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का भी अधिकार है। भारत में ऐसा नहीं है, यानी वो जनता वहां पर क्या करती है, उनको वापस बुला सकती है, प्रत्याहार कर सकती है, चुने गए प्रतिनिधियों को बुला सकती है। अगर जनता की तरह को उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया तो वापस बुला सकती है। अब बात करते हैं गैर परंपरागत राजनीतिक स्रोतों के बारे में, राजनीतिक स्रोतों के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागी सहभागिता के बारे में। गैर परंपरागत जो तत्व है वो किस प्रकार से राजनीति में सहभागी होते हैं, जैसे नागरिकों के द्वारा अपनी सरकार के कानून का विरोध करना या सरकार का विरोध करना जो जनता के लिए नहीं है, रोध प्रदर्शन करना, जुलूस वगैरह निकालना, नारेबाजी करना, वहीं पोस्टरबाजी करना यानी सरकार के विरोध में पोस्टर वगैरह लगाना, नुक्कड़ नाटक यानी नाटकों के माध्यम से सरकार की योजनाओं के बारे में कानून के बारे में उनकी आलोचना करना, हड़ताल कर देना, वहीं धरना देना यानी एक तरह से सरकार के विरोध में भूख हड़ताल कर देना यानी खाना पीना सब त्याग देना, जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरोध में यह किया था, उनकी सरकार के विरोध में किया था। सरकारी पुरस्कारों का अस्वीकार करना या वापस कर देना, यानी कि उत्कृष्ट जो लोग हैं उनको लोग सरकार के द्वारा सम्मान के जो प्रदर्शन किए गए हैं उनको वापस लौटा देते हैं यानी सरकार का विरोध करने के स्वरूप के रूप में, वही उनको अस्वीकार कर देते हैं, नहीं लेते हैं। इससे क्या होता है यानी सरकार का विरोध करना। वहीं राज्य की क्या सहभागिता होती है, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन करना यानी राज्य का यह राजनीतिक सहभागिता है, यानी जो राष्ट्रीय पर्व है जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस की परेड करना, जैसे 26 जनवरी पे झांकियां परेड वगैरह निकालना, तो ये एक तरह से राज्य की राजनीतिक सहभागिता। वहीं नागरिकों की सहभागिता गैर परंपरागत रूप से सवज्ञा अवज्ञा यानी सभी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उनका बहिष्कार कर देना, तो ये सवज्ञा अवज्ञा अभियान। वहीं राज्य सहभागिता में अभियान संचालन करना यानी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यानी ऐसी महामारियों के लिए जो फैल जाते हैं इस देश में, जैसे बात करें स्वच्छता के आधार पर, जब कोई क्षेत्र स्वच्छ होगा तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैलेगी, जैसे पल्स पोलिया यानी जो पोलिया जो बच्चे पहले विकलांग हो जाते हैं शरीर से हाथ से चेहरे इस तरह से, यानी एक तरह से पल्स पोलिया अभियान बार बार बात करें तो पूरी तरह से पोलियो से मुक्त है भारत। ये क्या है ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक तरह से जब मां को यानी इस तरह का यानी एक तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो विकृत बच्चे पैदा नहीं होंगे।